नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए महिलाओं में अंडे अच्छे होने चाहिए, फेलोपियन ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, पुरुषों में शुक्राणु अच्छे होने चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और गर्भाशय, बच्चेदानी, यूट्रस अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, गर्भाशय ही वो जगह है जहाँ पे फाइनली इम्ब्रियोज, भ्रूण बनने के बाद इम्प्लांट होते हैं। 9 महीने इस गर्भाशय में इम्ब्रियोज की ग्रोथ होती है, एक बच्चा तैयार होता है, बच्चे की ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स, खाना पीना, आहार, पानी, सब आपकी बच्चेदानी पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए, सक्सेसफुल फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी के लिए आपकी बच्चेदानी का, आपके गर्भाशय का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि कपल्स अपने अंडे की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा जोर देते हैं, जिसमें कि गर्भाशय की हेल्थ नेग्लेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कुछ घरेलू नुस्खों से, कैसे आपके लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन ला के आप अपने गर्भाशय के, यूट्रस के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को, प्रेगनेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हर 6 में से 1 कपल इनफर्टाइल है, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है। आज से कुछ साल पहले इतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं थी। ज़रूर हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे खान पान में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे रहने के तरीके में कुछ बदलाव आए हैं जो हमारे फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं, हमारे प्रेगनेंसी पोटेंशियल को कम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सेडेंटरी हो गया है। हम छोटे से फ्लैट में रहते हैं जहाँ पे आपकी मोबिलिटी बहुत कम होती है, या फिर ऑफिस गोइंग महिलाएं हैं तो चेयर पे बैठ के अपना काम करती हैं, एक्सरसाइज, योगा लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज अपने लाइफ में बिजी हैं। तो सबसे पहला जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना है वो है आप एक्सरसाइज, कीप योरसेल्फ मूविंग। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने से जो गर्भाशय का ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त प्रवाह है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि यूट्रस की हेल्थ और बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग या बच्चेदानी की झिल्ली के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करेगी। प्लस एक्सरसाइज करने से यूट्रस के मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलास्टिसिटी अच्छा होता है, जिससे कि प्रेगनेंसी लेने में भी आसानी होती है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके अबॉर्शन के या कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड मिसहैप होने के चांसेस कम होते हैं। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो आपके शरीर का हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, सभी हार्मोन्स अपने नॉर्मल रेंज में रहते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करती है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके का एक्सरसाइज? कोई भी एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जुम्बा, योगा, अगर आप 30 से 40 मिनट सप्ताह में कम से कम 5 दिन करते हो तो आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है। वॉकिंग भी 30 से 40 मिनट काफ़ी होती है, लेकिन जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो आप कर सकते हो। फर्टिलिटी योगास भी होते हैं जो टारगेट करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, आपकी बच्चेदानी को, आपके अंडाशय के ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी अच्छी होती है। फर्टिलिटी योगास लाइक कोबरा पोज, कॉबलर पोज, लोटस पोज, लेग्स अप द वॉल पोज, सपोर्टेड ब्रिज पोज, ये योगा के कुछ ऐसे आसन हैं जिससे कि आपके यूट्रस का ब्लड सप्लाई अच्छा होता है और आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करती है। एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस होता है, आपके BMI नॉर्मल हो जाती है, जिससे कि आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स की लेवल है वो नॉर्मल हो जाती है, ईस्ट्रोजन का लेवल अप्रोप्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो गर्भाशय की परत है, वो अच्छी हो जाती है, मोटी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, जिससे कि आपको फ्यूचर में इम्प्लांटेशन में मदद मिलती है, फर्टिलिटी आपकी बढ़ती है, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ कमिंग टू डाइट, हम तो इंडियंस हैं, हर ओकेजन में खाना पीना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, बट हमारे खाने में जो एक
फॉल्ट है, हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल्स को ज़्यादा रखते हैं और प्रोटीन वेजिटेबल्स की जो अमाउंट होती है वो कम होती। जब आप हमारी इंडियन थाली देखोगे इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा होगा। रोटियां खाते हैं हम, चावल ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, दाल की कटोरी छोटी होती है, सब्ज़ी उसकी भी छोटी होती है, फ्रूट्स नहीं इंक्लूड करते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, हमें जो चेंज लाना है अपने अंदर, हमारे फूड हैबिट को इम्प्रूव करना है, हमारी जो थाली है उसे एक हेल्दी प्लेट में कन्वर्ट करना है। इसमें हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल्स को कम करना है, यानी कि चावल रोटी के अमाउंट को कम करेंगे, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें जैसे ब्राउन राइस, ओट्स या फिर मेज़, मक्का भी आप एज अ होल ग्रेन खा सकते हो। बहुत से ऐसे होल ग्रेन्स अवेलेबल है मार्केट में, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। होल ग्रेन्स बहुत रिच होते हैं फाइबर्स में, एंड हाई फाइबर डाइट अगर आप लेते हो तो आपके यूट्रस में, गर्भाशय में रसौली जिसे हम फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं, उसके चांसेस कम होते हैं, जिससे कि आपकी यूट्रस हेल्दी रहती है। प्रोटीन के अमाउंट को खाने में बढ़ाइए। प्रोटीन आप दाल के फॉर्म में ले सकते हो, फिश के फॉर्म में ले सकते हो, एग्स, चिकन, प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी। खाने में हरी साग सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्जियों को कम भुने, कोशिश करें कि बॉयल्ड फॉर्म में या मिनिमम भून के लें। सब्जियां रिच होती है विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन में, जिससे कि आपकी जो यूट्रस की मांसपेशियां होती है हेल्दी होती है, उसमें फाइब्रॉइड या एडेनोमायोसिस जैसी बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। हम नींबू, अब तक सोचते थे कि नींबू लेने से हमारा वेट लॉस होता है, बट यह देखा गया है कि सुबह में उठ के आधा कप पानी में अगर आप नींबू लेते हैं तो इससे भी जो यूट्रस के मसल्स की हेल्थ अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठ के आप नींबू हल्का गुनगुने पानी में लें। फ्रेंड्स, आप नट्स को अपने खाने में ज़रूर यूज़ करो, जैसे कि काजू, छुहाड़ा, अखरोट, बादाम। ये आपके यूट्रस के हेल्थ के लिए, यूट्रस के ब्लड सप्लाई के लिए न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई करती है। आप चाहो तो सारे नट्स को एक साथ क्रश करके रख सकते हो और हर मॉर्निंग में एक मुट्ठी उस क्रश्ड मिक्सचर को लें। इससे आपकी यूट्रस की हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव करेगी। फ्लैक्स सीड, तीसी के दाने, ये रिच होते हैं फाइटो ईस्ट्रोजन में, यानी कि जो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन होता है उसी का वो प्लांट वर्जन है। ईस्ट्रोजन लेने से आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है वो इम्प्रूव करती है। तो फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं मेनोपॉज के आसपास में, स्पेशली प्रेगनेंसी, IVF प्लान कर रही हैं, वो ज़रूर फ्लैक्स सीड लें। सुबह शाम दो दो चम्मच अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो लाइनिंग प्रिपेयर होगी वो अच्छी प्रिपेयर होगी। कम दवाइयों में ही अच्छी लाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि फाइटोइस्ट्रोजेंस आपको आपके खाने से प्रोवाइड हो रहा है। लाइनिंग अच्छी होगी तो आपके प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स, IVF के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे खान पान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चेदानी के ब्लड सप्लाई को कम करती है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी। फ्रेंड्स, अगर आप स्मोक कर रहे हो तो ना ही आपको आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हो तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, IUGR के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, इनफैक्ट मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम करना है आपको स्मोकिंग बंद करनी है। टी, कॉफ़ी को अवॉइड करें। अगर आपको एडिक्शन है तो थोड़ा बहुत एक कप दो कप चाय ले सकते हैं पूरे दिन में, एंड 1 कप कॉफ़ी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें। उसके बदले अगर कुछ और आप लेना चाहते हैं, जैसे कि जिंजर टी, सिनेमन टी, दालचीनी की चाय, ये बहुत हेल्पफुल होती है यूट्रस के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ये ब्लड सप्लाई को, बच्चेदानी की इम्प्रूव करती है, वेसल्स को डायलेट करती है, जिससे कि यूट्रस की हेल्थ इम्प्रूव करती है। नीडलेस टू से, स्ट्रेस, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस कैन इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। स्ट्रेस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपके एग्स की क्वालिटी ख़राब बनेगी, आपकी बच्चेदानी की हेल्थ ख़राब हो जाती है। अगर पुरुष स्ट्रेस ले रहे हैं तो उनके सीमेन पैरामीटर्स में चेंजेस देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का अनड्यू स्ट्रेस आप अवॉइड करें, इससे कि आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करेगी और आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे।
तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो अगर हम अपने लाइफ में चेंज कर ले तो हमारी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करेगी। यानी कि रात में अच्छे से सोएं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें, चाय को अवॉइड करें, लेमन आप पानी में लेके पी सकते हो, आप सिनेमन टी, जिंजर टी ले सकते हो, मॉर्निंग के नाश्ते में फ्रूट ज़रूर इंक्लूड करें, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, प्रोटीन्स को इम्प्रूव करें, ज़रूर एक्सरसाइज करें और खुश रहें। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि यूट्रस के हेल्थ को इम्प्रूव करके, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके कैसे हम अपने फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस फीमेल हेल्थ पे मैं डालती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।